अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ लाइमलाइट के ड्रेसेस जो कि मैंने अभी सिलाई करवाए हैं। तो इसके गले का डिज़ाइन इस तरह से, यहाँ पे ना मैंने बटन्स लगवाने थे, मैंने ब्लैक कलर में लेके बटन्स भेजे थे, तो लेकिन वो जिनसे मैंने सिलाई करवाया ना, वो कह रही थी कि ब्लैक कलर के अच्छे नहीं लगेंगे, तो इस पर अब मैं येलो कलर में टसल्स लगवाऊँगी। ठीक है, ये इसके बाजू, इसका प्रिंट बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मैंने ब्लैक कलर की लेस लगवाई है और इसके घेरे पे भी चारों साइड्स पे। और इसमें मैंने पिंक कलर की पाइपिंग करवाई है। अच्छा, ये बाज़ार की नहीं है, ये कपड़ा लेके करवाई हुई है। ये मैंने पिंक कलर में कपड़ा लेके ना उसकी खुद करवाई है, बाज़ार वाली ना अक्सर ख़राब हो जाती है। तो ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी इसी तरह लेसेस है जैसे फ्रंट साइड पे। ये लूप लेस है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है लूप लेस। अच्छा, इसका एक बाजू प्रिंटेड है और एक प्लेन है। अभी जो ये मैंने सूट पहना हुआ ना, इसका ये भी लाइम लाइट का है, इसका भी एक बाजू इस तरह प्रिंट है और एक ऑरेंज कलर में ये वाला ऑरेंज प्लेन है। तो ये अच्छे लगते हैं वैसे, इसी इसका भी सेम ऐसे ही है। और इसके साथ में ये मैंने चिकनकारी में ट्राउज़र लिया था जो कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था, एसएफ ट्राउज़र्स। इसके ऊपर भी लूप लेस लगी हुई है, तो ये देखिए ब्लैक कलर में ये भी, और साथ में ये प्लेन दुपट्टा है। और दुपट्टे पे भी मैंने ये लेस लगवाई हुई है। ये रिसेंटली सिलाई होके आया, इसको मैंने अभी एक दफ़ा भी नहीं पहना, पहनने का कोई मौका ही नहीं मिला, सो मैंने इसको अभी वैसे ही रखा हुआ है। सेकेंड ड्रेस ये भी लाइमलाइट का है, ये इसके गले की डिज़ाइनिंग है। उसके दूसरे ड्रेस पे भी ना मैं इसी तरह के टसल्स लगवाऊंगी येलो कलर में। तो ये है इसके गले की डिज़ाइनिंग, इसके बाजू का भी डिज़ाइन सेम वैसा ही है, ये भी लाइमलाइट का है। ये देखिए, एक इसका प्लेन है और एक इसका, इसके ऊपर गोल्ड पेस्टिंग का ये ना वर्क है ये सारा। और ये इसके घेरे का डिज़ाइन है, इसके ऊपर भी मैंने चारों साइड पे ये लेस लगवाई हुई है। और इसकी बैक साइड ये वाली है। और इसके साथ ये ग्रीन दुपट्टा था, इसके ऊपर भी मैंने ये लेस लगवाई हुई है चारों साइड्स पे। ये ना मुझे सही नहीं लगवाई गई, अच्छी नहीं लगी मुझे ये। मैं सोच रही थी इसको उतरवा के ना मैं कोई और लगवाती हूँ, तो लेकिन अभी इतना टाइम ही नहीं मिला। इसको भी मैंने जस्ट एक दफ़ा ही पहना हुआ है। तो साथ में ये मैंने इसके साथ ट्राउज़र खुद मैच की। अच्छा, ये सिंगल शर्ट लिया मैंने लाइम लाइट से, तो ये एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र मैंने खुद लिया था, ये इसके साथ अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा ग्रीन से ना बेहतर है कि ये वाला प्रिंट अच्छा लगेगा। ये इसके साथ स्किन साफ लाइट ब्राउन सा ये ना प्रिंट है, तो कैमरे में भी पता नहीं स्किन साफ शेड आ रहा है, तो ये लाइट ब्राउन सा है। और ये ड्रेस है लेमन टार्ट से मैंने लिया था, और इसके गले के ऊपर मैंने ये मिरर बटन लगवाए थे। ये मैंने UHU से इनको ना चिपकाया हुआ है, ये जिनसे मैंने सिलाई करवाया था उन्होंने मुझे लगा के नहीं दिए थे, उन्होंने वैसे ही भेज दिए थे, कहते थे ये ना सुई धागे से नहीं लगेंगे, आप किसी भी UHC से चिपका लें। तो खैर मैंने ना इसको UHU से चिपका के तो थोड़ा सा इसको ना धागे से भी वो कर लिया था, मैंने कहा उतर ही ना जाएंगे फिर इस तरह ना वो सारा, क्योंकि बाद में सेम इस तरह के मिलते भी नहीं हैं। तो ये लेमन टार्ट से लिया था, इसके ऊपर भी गोल्ड पेस्टिंग है, ये सारा पैच है मीन्स के प्रिंट हुआ हुआ है। और ये डिज़ाइनिंग मैंने खुद करवाई थी कपड़ा लेके, ठीक है, फ्रंट घेरे पे ये सारी। और इसके बाजू कुछ इस तरह से हैं, बस ये सारा मिक्स प्रिंट है,
ये इसके बाजू की, ये दुपट्टे की मैचिंग मैंने खुद की है बाज़ार से। ये देखिए मुझे कितना अच्छा दुपट्टा इसके साथ मैचिंग ही मिल गया था। हाँ ये वाला इसके साथ ट्राउज़र है, ये भी एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा ये वाला जो सूट है ना, ट्रस्ट करें ट्रस्ट करें, ये मैंने लेमन टार्ट से तकरीबन आज से 3 साल पहले मंगवाया था और मैं ये बिल्कुल ही भूली हुई थी कि मैंने ये सूट मंगवा कर रखा हुआ। ये देखिए अनस्टिच पड़ा हुआ है। वो जब हमारी ये घर की रिपेयरिंग हुई थी ना, तब मैंने अपने वार्डरोब सेट की थी सारी, तो तब मुझे ये नज़र आया तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि मैं सूट कैसे भूल सकती हूँ। तो इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर स्टिच करवाऊँगी। तो ये इसके बाजू हैं, बाजू के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है, ये भी लेमन टार्ट से लिया था और मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या क्या है इसमें। इसका ना पैच भी नहीं था साथ में। अच्छा ये मेरे ख्याल में ना गले के ऊपर इसकी डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी ना, ये थोड़ा सा कपड़ा था तो ये गले के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग होनी थी। और ये फ्रंट एंड बैक प्लेन था शर्ट का। और ये वाला आई थिंक सो, हाँ जी ये वाला ना ट्राउज़र का कपड़ा था, मुझे अब याद आ रहा है। ये ट्राउज़र सारा नीचे से ना एम्ब्रॉयडरी है, तो ये खुला प्लाजो जैसे शरारा सिलाई उस टाइम में सिलाई होगा। तो इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर सिलाई करवाऊँगी क्योंकि अब तो सीज़न जा चुका है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से सलाह ना शेयर करूँगी, तो इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन ही करवाएंगी क्योंकि इसकी शर्ट बिल्कुल ही सिंपल सी है, फ्रंट और बैक दोनों। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।